माँ हम बहनों के सगुन में भेदभाव क्यों? आ गई बेटा, बड़ी देर कर दी आज। मनोरमा जी अपनी छोटी बेटी गीता को देखकर खुश होते हुए बोली, हाँ माँ, वो मेरी ननद भी आ गई थी ना आज राखी बाद में, इसलिए निकलने में देर हो गई। भैया भाभी कहाँ हैं और दीदी आ चुकी क्या राखी बांधने के लिए? बेटा वो तो सुबह ही राखी बांध कर चली गई। तू बैठ, वो तेरी भाभी अपने मायके गई है राखी बांधने, मानो भी उसके साथ ही गया है, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक तू समर के यहाँ चली जा, वो भी तो तेरी राह देख रहा होगा। चली जाऊंगी माँ, अभी गई तो वो जल्दी आने नहीं देगा, वो छोटी भाभी भी खाना खाने की जिद करेगी, गीता मुंह बिचकाते हुए बोली। हाँ तो क्या हुआ, वो भी तो तेरे भाई भाभी हैं, यहाँ खाया वहाँ एक ही तो बात है। ठीक है माँ, एक काम करो, आप ये सामान यहीं रख दो, ये बड़े भैया भाभी के लिए है, मैं जाकर आती हूँ। गीता ने एक बैग अपनी माँ को पकड़ाते हुए कहा। क्या लाई है इसमें? मनोरमा जी ने उत्सुकता से पूछा। माँ भैया के लिए कुर्ता और भाभी के लिए एक सूट है। अब भैया भाभी इतना कुछ देते हैं तो मेरी तरफ से भी तो गिफ्ट बनता है ना, बोलते हुए गीता अपने छोटे भाई भाभी के घर जाने के लिए उड़ गई, जो उसी गली में थोड़ी दूरी पर था। बेटा समर और तेरी छोटी भाभी के लिए तू कोई गिफ्ट नहीं लाई? गीता के हाथों में सिर्फ राखी और मिठाई का एक डब्बा देखकर मनोरमा जी बोले बिना रह नहीं सकी। माँ अब वो कौन सा मुझे ढेर सारा नेक देते हैं जो मैं इतना खर्च करूँ, जो जितना करेगा उसी हिसाब से तो मैं भी करूँगी, गीता बोली। बेटा भाई बहन के रिश्ते में हिसाब किताब नहीं देखते, बहन के लिए तो सभी भाई बराबर होते हैं। बेटी की इसी सोच पर मनोरमा जी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन गीता हमेशा ऐसा ही करती थी। मनोरमा जी ने कई बार उसे समझाया भी कि भाई बहन के रिश्ते में हिसाब किताब नहीं देखते, लेकिन गीता अपने अहम में ही रहती थी। छोटे बेटे के साथ गीता का यह व्यवहार उन्हें अंदर से कचोटता था। समर की आर्थिक स्थिति इस समय जरा ठीक नहीं थी, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता था वो बंद हो गई थी। अब वो नई नौकरी की खोज में था और रोजी रोटी के लिए एक अस्थाई नौकरी कर रहा था। वही मानव का अपना कारोबार था जो अभी तरक्की पर था। खैर मनोरमा जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और गीता समर के यहाँ चली गई। समर और उसकी पत्नी गीता को देखकर बहुत खुश हुए, बड़े मन और चाव से उन्होंने राखी बंधवाई। समर ने जब नेक में 1100 का लिफाफा दिया तो गीता ने मुंह बनाते हुए पकड़ा और जल्दी ही वहां से निकल गई। छोटी भाभी खाना खाने की मनोहार करती रही। शाम को गीता के बड़े भाई भाभी वापस आए तो गीता ने बड़े चाव से उन्हें राखी बांधी और अपनी तरफ से भेंट भी दी। मानव ने भी हमेशा की तरह ढेर सा सुकून दिया, जिसे देखकर गीता का चेहरा खिल उठा। वापस जाते हुए मनोरमा जी ने गीता को इस बार सिर्फ आशीर्वाद दिया तो गीता को अजीब लगा, क्योंकि हर बार वो माँ साड़ी और कुछ ना कुछ सगुन भी देती थी। अगले दिन मनोरमा जी के पास गीता का फोन आया। माँ आपने हम दोनों बहनों के सगुन में भेदभाव क्यों किया? दीदी बता रही थी कि आपने उन्हें कल इतनी सुंदर साड़ी और कंगन दिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है, रोते हुए गीता बोली। बेटा मैंने सिर्फ एक बार तुम दोनों बहनों को देने में अंतर किया तो मुझे इतना बुरा लग रहा है, और जो तू हर बार अपने दोनों भाई भाभियों के बीच भेदभाव करती है तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगता? बेटा मेरे लिए तो तुम सभी बच्चे बराबर हो, लेकिन तुम बस रिश्तों को लेन देन से तोड़ने लगी हो तो सोचो मुझे कितना बुरा लगा। बेटा किस्मत पलटते देर नहीं लगती, माया को ढलती फिरती छाया है, कब किसका वक्त पलट जाए पता नहीं चलता, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमेशा मन में रह जाती है। माँ की बात सुनकर गीता की गर्दन झुक गई। सच में आज उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब दोनों भाई अपना गुल्लक फोड़कर दोनों बहनों के लिए राखी पर गिफ्ट लेकर आते थे। दोनों बहनें भी अपने हिस्से की चॉकलेट मिठाई भी भाइयों को खिला देती थी।
साल भर उन्हें इस दिन का इंतजार रहता था। कितने प्यारे थे वो दिन जब रिश्तों के बीच पैसों का कोई मोल नहीं था। आवाज में वो बोली, आप ठीक बोल रही हो माँ, बड़े होने के साथ साथ ये दिल ना जाने कब कितना छोटा हो गया। आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मनोरमा जी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्हें संतुष्टि थी कि अब चाहे स्थिति कुछ भी हो, उनकी बेटी अपने भाइयों के बीच भेदभाव नहीं करेगी। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।